और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सब जितने हमारे पब्लिक दर्शक हैं आर्यावर्त टुडे को आज आपने नॉमिनेशन करवाया, जैसा देख रहा हूँ काफी उत्साह है आपके पंचायत के लोगों में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आगे की क्या योजना, जब आप जनता अभी जो समर्थक हैं बाद में आपको वोट देके जिता लेते हैं, तो क्या काम करेंगे आपके क्षेत्र में? सब कुछ करेंगे, वृद्धा पेंशन भी बनाएंगे, इंदिरा आवास वाले में कुछ एक पैसा नहीं लेंगे, जब मुखिया के फंड मिलेगा जो काम करना होगा वो सब करेंगे। अभी आपने इंदिरा आवास की बात की और बोले कुछ पैसा भी नहीं लेंगे, यानी पैसा लिया जाता है, कमीशन लिया जाता है और लोगों के द्वारा लिया जाता है? कुछ नहीं, सब कुछ देंगे। और लोगों के द्वारा 25,000 से 30,000 रुपया लिया जाता है। ऐसी कुछ बात चल रही थी तो भी आप लोग कोई विरोध नहीं किए? जब भी ऐसा लगा कि हम चुनाव जीत के आएंगे तो इसको समाप्त करेंगे? विरोध क्या होगा, विरोध नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी का जो 7 विषय योजना है जल नल गली का, वो कैसा काम कर रहा है आपके क्षेत्र में, पंचायत में? नल जल योजना का काम अभी अधूरा है, खास करके नल जल ही नहीं नली गली। मुड़का पंचायत के सोहरा ग्राम वार्ड 3 के हम लोग निवासी हैं। ऐसा संयोग है कि कभी आप आइएगा तो देखिएगा कि गांव का मुख्य गली है, वो मुख्य गली का क्या स्थिति है। करीब करीब 2.5 से 3 फीट उसमें पाका और पानी लगा हुआ है। यही नली और गली का समस्या है। जो भी पेयजल का नल जल योजना का काम हुआ है उस 25% माने टोटल एरिया का, गांव विलेज एरिया का 25% ही लोगों को पानी उपलब्ध होता है, यानी कि सुचारू रूप से नहीं हुआ है, नल काम नहीं, कहीं नहीं नल पानी पहुंचता ही नहीं है, अधूरा है। जल जमाव की भी समस्या है। हाँ, जल जमाव नली गली का समस्या है, नली और गली का समस्या, नली है ही नहीं। अभी वहाँ के मौजूदा मुखिया कौन है? अभी मौजूदा मुखिया रागिनी देवी पतरिंगा के हैं। उनका काम से आप लोग असंतुष्ट हैं, जैसे कि जनता नहीं, पहले से जो मुखिया हैं? हाँ हाँ, तो वही उन्हीं संजय महिला है, राइट की बात है। जब जीत के आएंगे तो महिलाओं काम करना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, क्या काम करिएगा महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा जो आएगा जो भी योजना है, पारदर्शिता सब चीज। शिक्षा के लिए तो हमारा मेरा ये है, एक हमने घोषणा पत्र निकाला था जिसमें हम स्वतः अगर पंचायत के प्रतिनिधि करने का मौका मिलता है तो लाइब्रेरी का व्यवस्था अपने स्तर से, प्लस इंटरनेट की सुविधा, और जितने भी मेघावी छात्र छात्राएं होंगी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का व्यवस्था करेंगे अच्छे अच्छे शिक्षकों के मार्गदर्शन में। स्वास्थ्य को लेके स्वास्थ्य के तो कहना ही नहीं है, पहले से हम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए थे, स्वास्थ्य का क्या स्थिति है क्या कहा जाए। मुड़का पंचायत में मात्र एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है मुड़का, उसके सिवाय तो कहीं और है नहीं, है वहाँ मैंने क्या कोई व्यवस्था है, अवेलेबल रहता नहीं है। एक NM रहती है, अभी जाती है कि ना जाती है बेचारी को ना जाने क्या कहें। तो स्वास्थ्य के ऊपर भी हम लोग जो अभी मान लीजिए कि अभी तत्काल में कोरोना का सेकेंड डोज पूरा हो गया, लेकिन मेरे क्षेत्र में मेरे जिंदाबाद पहले डोज चला। क्या 15 साल मुखिया रहा मुड़का पंचायत में, और मुड़का पंचायत में वार्ड नंबर 3 सौरा सर, देखा जाए कि हर ठेवन पांका लगता है सर, एक भी विकास का काम नहीं हुआ। एक दिन भी किसी परिवार को मरता भी है तो देखने आता है कि क्या हुआ। और आज तक भी कल में दुर्घटना बहुत सा हुआ, लाइन से मर गया, कोई मर गया, उसको भेंट करने का भी राम नहीं है, और कोई भी काम भी नहीं हुआ 15 साल से गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट के द्वारा अपना जहां बना जहां मदद किए, मगर 15 साल से देखने के लिए कुछ तैयार नहीं है, और मनमानी अपना 15 साल। हम तो विश्वास है सर, खड़ा किया गया है सर कि हमारा उम्मीदवार बढ़िया है, अब आगे क्या करेंगे तो देखा जाएगा सर, ठीक ना। अब तो भी आशा पर भी इसे किया गया, तो आशा पर भी कोई भी सर विधायक बनाइए, MP बनाइए, मंत्री बनाता है लोग, मगर आगे चल के भी लोकेशन देखा जाता है कि क्या करेगा ना करेगा, ठीक है।
मगर संजय राम 15 साल में मेरा मुर्गा पंचायत को महका के रख दिया, ठीक ना। हाँ एकदम सर इतना गंदा कर दिया कि सर कहने लायक नहीं है। हाँ कुछ भी काम नहीं किया एकदम नहीं। मेरा नाम राजदो प्रसाद है सर। हम अपना परिचय नहीं दे पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब। आप अपना परिचय फिर से गांव के नाम के साथ। सोहरा गांव मेरा, मुर्गा पंचायत, संजू देवी। संजू देवी।